Hi friends, welcome to today's live session. <laughs> इन टूडेज लाइफ सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर फोर्टी वन ऑफ आई एन आई एफ एस विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड सो टूडे वी विल डिस्कस एम सीज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड डेली वी आर कवरिंग वन यूनिट और दोस्तों आपके लिए uh, एक डेली क्वीज का प्रबंध किया गया है डेली क्वजेस फ्री कंडक्ट किया जा रहा है हमारे ऐप पर हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा द नेम ऑफ एप इजी एंड सी वी मेट सिम्पल एंड डेली वी आर वी आर कंडक्टिंग फ्री क्विजे बेस्ड ऑन द पेजेज ऑफ मैकुल बुक मैकविलियन बुक के पेजेस आपको ये कुछ क्विजेज कंडक्ट किया जा रहा है जो कि आप फ्रीली दे सकते हैं तो हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें और इस क्विज में भाग लें चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेसन को लेट्स बिफोर बिगनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर स्पेशल प्लान फॉर फॉर टुडे एक्सक्लूसिव ऑफर अलर्ट So that is 20-40% discount on all JIB and CIV courses. Offer valid till midnight only. So this fantastic. This is a fantastic opportunity. You have to apply this coupon code excel 40 off to avail this offer. So do enroll. Our, do install our app. The app link is soon. Will soon in the uh, screen. You can see the link of the app. The same link has been provided in the description section also. You can just click on the link and uh, get uh, and uh, and enjoy the benefits of uh, that we are offering. लेट सी फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पूछा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड ऑप्शन है कि इट इज अ मैकेनिज्म फॉर पुलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक इट्स अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी दट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इट्स अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दट ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट इट्स टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्तों इसका सही जवाब है म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट वैकेल है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक तरह का इन्वेस्टमेंट वैकेल है आ, जो कि पैसा लेता है किसे बहुत सारे इन्वेस्टर से ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को खरीद सके सिक्योरिटीज़ का जैसे कि स्टॉक को बॉन्ड को या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को इसको मैनेज कौन करते हैं इसको मैनेज करते हैं फंड मैनेजर ठीक है देयर आर फंड मैनेजर हु मैनेज इट तो म्यूचुअल फंड का बहुत सारे एडवांटेजेज है जैसे सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन राइट तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि ये इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सीफाई कर सकें अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके दूसरा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसका इसका एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा जिनके पास एक्सपर्टाइज होती है एक्सपीरियंस होती है तीसरा एडवांटेज है इसका एफोर्डेबिलिटी एफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या हुआ एफोर्डेबिलिटी का मतलब म्यूचुअल फंड को एफोर्डेबल होता है इन्वेस्ट करना और लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मीनिंग क्या हुआ कि दोस्तों म्यूचुअल फंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट है मतलब इन्वेस्टर जो अपना शेयर को किसी भी समय बेच सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर जो है फंड का शेयर खरीदते हैं प्रत्येक शेयर दोस्तों ऑनरशिप स्टेक शो करता है जो म्यूचुअल फंड का शेयर का प्राइस होता है उसे कहते हैं एनएवी एनएवी क्या होता है नेट एसेट वैल्यू हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड नॉलेज लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड तो ऑप्शंस है शेयर होल्डर यूनिट होल्डर बॉन्ड होल्डर या क्रेडिटर दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका यूनिट होल्डर मैं समझाता हूं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को यूनिट होल्डर कहा जाता है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप उस फंड का यूनिट बाय कर रहे हैं सो यू आर बाइंग द यूनिट ऑफ द फंड उस फंड का आप यूनिट बाय कर रहे होते हैं ठीक है और प्रत्येक यूनिट का मतलब क्या होता है इट यूनिट रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शनल ओनरशिप स्टेक इन द फंड पोर्टफोलियो यानी उस फंड के टोटल पोर्टफोलियो में आपका कितना हिस्सा है राइट right. वो होता है यूनिट तो दोस्तों अब जैसे कुछ म्यूचुअल फ़ंड ओपन एंडेड फंड होते हैं आपको पता होना चाहिए hmm. कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ओपन एंडेड ओपन एंडेड फंड होते हैं मतलब क्या हुआ कि यूनिट को आप क्रेडिट कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग यूनिट को किसी भी समय पर रिडीम कर सकते हैं और दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर जो है न, सभी तरफ से आते हैं इसके अंदर इंडिविजुअल फैमिली बिजनेस इंस्टीट्यूशन सभी आते हैं बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे कि इक्विटी फंड बॉन्ड फंड बैलेंस फंड मनी मार्केट फंड एक्सेट्रा तो समझ में समझ में आ गया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के उन्हें क्या कहते हैं हम लोग यूनिट होल्डर कहते हैं ना हाउ आर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ म्यूचुअल फ़ंड शेयर अमॉन्ग द इन्वेस्टर यानी जो प्रॉफिट है जो लॉस है उसे कैसे हम शेयर करते हैं इन्वेस्टर के बीच में किसी म्यूचुअल फ़ंड का दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ प्रोपोर्शनेट टू देयर इन्वेस्टर ठीक है देखिए जो प्रॉफिट या लॉस है म्यूचुअल फंड का वो अब इन्वेस्टर के बीच में शेयर किया जाता है अपने इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्सनेट इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा यूनिट ऑफ फंड को खड़े को किसके जिसके पास ज़्यादा यूनिट ऑफ फंड है उसे लार्जर शेयर मिलेगा तो मोर यूनिट ऑफ फंड तो मतलब कि लार्ज शेयर लार्जर शेयर समझ में तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है यहाँ पे आपको तो प्रपोजनिंग टू देर इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों दो तरीका है जैसे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इन्वेस्टर को एक तरीका है डिविडेंड देके द फर्स्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टर इज डिविडेंड तो म्यूचुअल फंड जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है इन्वेस्टर को रेगुलर बेसिस पे जैसे कि मंथली क्वार्टरली क्वार्टरली और एनुअली और डिविडेंड का जो अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है फंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नेक्स्ट है नेक्स्ट तरीका है दोस्तों कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन तो एक तरीका है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरा तरीका है कैपिटल गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना ये क्या होता है जब भी किसी जब भी कोई म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी बेचता है जिसका वैल्यू बढ़ गया तो ये कैपिटल गेन को रिलीज रियलाइज़ करता है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है इस कैपिटल गेन को इन्वेस्टर को पास करते हैं तो कितना कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फंड के इन्वेस्टमेंट पर राइट right. तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड को गारंटी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही देगा यदि फंड का इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाता है तो इन्वेस्टर जो है पैसा लूज भी कर सकते हैं लेकिन जो बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का उससे क्या होता है रिस्क कम होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों प्रोफेशनल टू देयर इन्वेस्टमेंट ना लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हु सुपरवाइजेज म्यूचुअल फंड इन इंडिया तो दोस्तों सही जवाब ऑप्शन है सी आर बी आई से वी आई आर डी ए आई और पी एफ आर डी आई सही जवाब है दोस्तों इसका से वी क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन नाइनटी टू में से का स्टैब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन नाइन टू में अंडर द सेव एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू और इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है बहुत सारे एंड Uh, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड फंडर एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी जो ए होते हैं इनका क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है राइट right. तो ये सभी गाइडलाइंस होते हैं फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल mm फंड -hmm. uh, का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है mm -hmm. तीसरा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी देना होता है इन्हें एंड द नेक्स्ट थिंग इज कस्टडी ऑफ म्यूचुअल फंड एसेट द फिफ्थ इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल एंड लास्ट इज़ ग्रिव्यांश रिलेटेड रेडेशन मैकेनिज्म तो से भी जो है एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है म्यूचुअल फंड का और उनके ए का ताकि इंश्योर कर सके कि वो जो है कंप्लाई हो रहा है सारे अप्लीकेबल रेगुलेशन एंड गाइडलाइन से hmm. दोस्तों सेबी के अलावा एक एक और एसोसिएशन है ए क्या है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ये सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के लिए ए को इस्टेब्लिश किया गया 1994 में इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और म्यूचुअल फंड को प्रमोट करें ठीक है तो ये सब पॉइंट यू प्लीज़ कीप इन माइंड ना वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड का क्या फंक्शन है ऑप्शन नहीं कर रहा है रिसोर्स पूल करना आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑलरेडी फंक्शन यही है कि हम रिसोर्स पूल करें पब्लिक पुल से एंड एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड पे दम एट हाई इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द रोल ऑफ सेवी सेवी का क्या रोल है रिगार्डिंग इन रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड सो वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ सेवी इन द म्यूचुअल फंड लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन सो द ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए टू कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक सो मतलब कि फंड कलेक्ट करना पब्लिक से पहला ऑप्शन कर रहा है एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रेगुलेट मूचअल फंड टू प्रोटेट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर टू मैनेज द इवेस्टमेंट मेड बाई म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड हाई इंटरेस्ट रेड ऑन बैंक अकाउंट बताइए सेवी का क्या रोल है रेगुलेट करना म्यूचअल फंड में दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर भी टू formulate पॉलिसीज़ एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर देखिए होता क्या है कि सेवी एक रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का भारत में सेवी की रिस्पांसिबिलिटी है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और फेयर और एफिशिएंट सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट डेवलप किया जाए तो सेबी भी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है बहुत सारे रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्न करते हैं बहुत सारे आस्पेक्ट ऑफ देयर ऑपरेशन uh, देखिए uh, यहाँ पे कलेक्ट फंड सही जवाब में है ऑप्शन बी याद दिस इज द करेक्ट आंसर टू फार्मलेट पॉलिसीज एंड रेगुलेट म्यूचुअल फंड देखिए इसके अंदर एस बी आई से भी जो है कैसे रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड को तो सबसे पहले कि जो एम सीज होते हैं यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फ़ंड एसेट का कस्टडी किसके पास है यदि कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट है तो उसका रूल क्या है तो से जो है इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है म्यूचुअल फ़ंड का राइट तो सेवी का सो राइटी जैसा कि आपको पता होगा में कुछ ही दिन रह गए और यदि आपको एक ऐसे कोर्स के तलाश में है जहां पे आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए और आप केवल उसी कोर्स को पढ़े तो निश्चित रूप से आपका सफलता आपके हाथ आप में हो तो दोस्तों ये कोर्स आपके लिए है जेआईवी बायोलिंगल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसके अंदर पीडीएफ वीडियोज मॉक टेस्ट सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड दोस्तों पी डी एफ के अंदर थ्योरी पी डी एफ एम सिक्यूज पी डी एफ वीडियोज के अंदर यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो रिलेटेड टू अर थ्योरी यूनिट एज वेल एज एम सिक्यूज यूनिट और मॉक टेस्ट में दोस्तों पेज वाइज मॉक टेस्ट यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट थाउजेंड प्लस क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू टू टू एंड यू नो क्विज इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर सो आपको यदि किसी प्रकार की आपको कोई क्विक रिविजन कैप्सूल पी डी एफ चाहिए तो आप हमारे बाइलिंगल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हिस्सा बन सकते हैं नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन वाट फॉर्म इज अ म्यूचुअल फंड सेटअप बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड को जो सेटअप किया गया वो किस फॉर्म में किया गया ऑप्शन को देखते हैं पहला ऑप्शन है एज अ कंपनी सेटअप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म सेटअप किया गया दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल uh, फंड को सेटअप किया गया कंपनी के रूप में तीसरा ऑप्शन है ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया गया लास्ट ऑप्शन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में सेटअप किया गया बताइए किस तरह से म्यूचुअल फंड को सेटअप किया गया दिस इज द क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन थ्रू एन एग्जाम्पल सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्लियर टू यू सो फ्रेंड्स देखिए म्यूचुअल फंड को सेटअप किया गया ट्रस्ट के फॉर्म में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन सो वॉट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यूचुअल फंड का जो एसेट है जो एसेट है म्यूचुअल फंड का वो किसके पास है वो है ट्रस्टी के पास ठीक है वो किसके पास है ट्रस्टी के पास है फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर किसके बेनिफिट के लिए यूनिट होल्डर के बेनिफिट के लिए एसेट का जो म्यूचुअल फंड एसेट का एसेट जो है म्यूचुअल फंड का वो ट्रस्टी होल्ड करते हैं ट्रस्टी की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो फंड के एसेट को मैनेज करेंगे ठीक है दोस्तों बहुत सारे एडवांटेजेज हैं म्यूचुअल फंड को सेट करना ट्रस्ट के रूप में पहला एडवांटेज है यदि आप म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के रूप में सेट करेंगे पहला एडवांटेज है कि आपका एसेट का प्रोटेक्शन मिलता है मतलब क्या हुआ कि जो एसेट है म्यूचुअल फंड का वो ट्रस्टी हेल्ड करते हैं यूनिट होल्डर के बिहाफ में और इसका मतलब कि एसेट प्रोटेक्टेड है क्रेडिटर ऑफ म्यूचुअल फंड एज और स्पॉन्सर सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी यानी यानी जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसको टेलर कर सकते हैं ताकि आप स्पेसिफिक नीड ऑफ म्यूचुअल फंड को मीट कर सकें एंड द थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी राइट व्हाट इज दिस ट्रांसपेरेंसी दोस्तों ट्रस्ट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ट्रांसपेरेंट है एंड एंड अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल ओके सो सो दिस रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी तो दोस्तों स्पॉन्सर कौन the, कौन कौन से की पार्टीज होते हैं म्यूचुअल फ़ंड में सो लेट्स टॉक अबाउट द की पार्टीज सो द फर्स्ट की पार्टीज इज ए स्पॉन्सर एंटिटी होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को सेटअप करते हैं hmm. दूसरे होते हैं हमारी ट्रस्टी

सो ट्रस्ट ट्रस्ट को कौन स्टैब्लिश करता है दिस इज दिस इज द क्वेश्चन द नॉन लेट सी द ऑप्शन दैट वी हैव पहला ऑप्शन है कस्टोडियन दूसरा ऑप्शन है ए तीसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ट्रस्टी तो फिर से देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको चारों का मतलब समझाया था कि कस्टडियन का क्या रोल होता है ट्रस्टी का क्या रोल होता है राइट सो आप बता सकते हैं कि ट्रस्टी यदि ए की बात करें तो एम आंसर होगा या इस्पॉन्सर ऑप्शन होगा या ट्रस्टी ऑप्शन होगा कस्टडी एन ऑप्शन होगा तो ट्रस्ट किसी म्यूचुअल फंड अभी मैंने बताया कि अजर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड को सेट किया जाता है ये सबसे बेस्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और भी बहुत सारे फायदे हैं तो इसको इस्टेब्लिस कौन करता है दोस्तों देखिए स्पॉन्सर इस्टेब्लिश करते हैं सही जवाब क्या है इसका स्पॉसर यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखिए स्पॉन्सर एक एंटिटी होती है जो कि म्यूचुअल फंड को सेटअप करती है और ट्रस्टी को अपॉइंट करती है यानी ट्रस्टी को अपॉइंट करने की जिम्मेवारी किसके पास है स्पॉन्सर के पास है राइट right. और ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फंड के एसेट को मैनेज करे अकॉर्डिंग टू द दर्गनाइजेशन According to the fund investment objective and practice. तो किसी म्यूचुअल फंड के बैंक होते हैं इंश्योरेंस कंपनी होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी है स्पॉन्सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रस्ट का स्ट्रक्चर सेटअप करें म्यूचुअल फंड के लिए ट्रस्टी को अपॉइंट करे म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज को ओवरसीज करे और दोस्तों शेयर होल्डर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करे अपने शेयर होल्डर के फंड से सो so फ्रेंड्स uh, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर जैसे ये इंश्योर करना कि म्यूचुअल फंड जो है सारे के सारे रेगुलेशन से कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अप्रूव करना विद द पॉलिसी ऑफ द म्यूचुअल फंड नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग ट्रस्ट हि देसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रस्टी सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेज दैट वी आर फेसिंग राइट सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन ये बताइए दोस्तों कि स्पॉन्सर जो होते हैं वो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं या ना होते हैं नहीं होते हैं तो कौन इन्वॉल्व होता है यदि आप मान लीजिए सवाल ये पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट द करेक्ट आंसर इज एम सी एम सी का होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी राइट तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सो ये कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर नाउ अब देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि ट्रस्टी का क्या रोल है म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा सवाल है अभी मैंने बताया आपको कि म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया जाता है और अभी मैंने आपको बताया स्पॉन्सर्स कौन होते हैं राइट ना द क्वेश्चन इज वट इज द रोल ऑफ ट्रस्टी ट्रस्टी का क्या रोल है राइट यू शुड नो एवरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट सो लेट्स द ऑप्शन ऑप्शन दैट वी हैव सो फ्रेंड्स ऑप्शन आर तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ म्यूचअल फंड यानी दोस्तों सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के बिहाफ में ऑप्शन बी कर रहा है कि टू कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक ऑप्शन सी टू इन कम्पलाइंस विद सेवी रेगुलेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर ऑप्शन डी टू मैनेज द डी टी डी ऑपरेन ऑफ द मूचअल फंड सो फ्रेंड्स प्लीज टेल वट इज रोल ऑफ ट्रस्ट इन म्यूचुअल फंड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू कलेक्ट फंड फ्रॉम द ऑप्शन नंबर सी टू इंश्योर विद एनसीद रेगुलेशन एंड प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑफ़ यूनिट होल्डर देखिए दोस्तों मैं समझाता हूँ ट्रस्टी जो होते हैं ना उनका काम होता है कि जितने भी फंड के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको ऊपर मॉनिटर करना और दोस्तों यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना तो ट्रस्टी इंडिपेंडेंट होते हैं फंड के स्पॉन्सर से और एएमसी से राइट सो इससे जो ट्रस्टी होते हैं उनके पास बहुत सारा सुट आउट होता है ओके okay. तो इसके अंदर ये इंश्योर करते हैं कि फंड जो है वो वो, वो इट फंड कंप्लाइज विद ऑल ऑल एप्लीकेबल्स सो so, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताया गया है कैसे ट्रस्टी प्रोटेक्ट करते हैं यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट को सबसे पहले वो फंड के इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करते हैं पॉलिसी को रिव्यू करते हैं इंश्योर करते हैं कि वो वो यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में हो वो मॉनिटर करते हैं फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को ताकि इंश्योर कर सकें कि वो मैनेज कर रहा है फंड को इन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ सो ऑल दिस थिंग आर डन बाय होम ऑल दिस थिंग आर डन बाय ट्रस्टी सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रस्टी राइट नाउ कस्टडियन का क्या रोल है देखिए एक एक करके सब सबका रोल पूछा जा रहा है अभी हमने ट्रस्टी का रोल देखा अब अभी आप, आप, आपको मैंने स्पॉन्सर का रोल बताया राइट स्पॉन्सर मैंने बताया कि स्पॉन्सर का सबसे पुराने रोल होता है वो ट्रस्टी को सेटअप करता है अब पूछा जा, जा रहा है कि कस्टडियन का क्या रोल है सो फ्रेंड्स कस्टडियन का क्या रोल है ऑप्शन है कि मैं डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड को मैनेज करना पब्लिक से फंड कलेक्ट करना सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के बिहाफ में और दोस्तों म्यूचुअल फंड के को होल्ड करना और सेव सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को होल्ड करना और सेफ गार्ड करना दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी टू होल्ड एंड सेफ गार्ड द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या रोल है कस्टडियन जो होते हैं ना उनका काम होता है कि वो होल्ड करें और फंड के सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करें कस्टडियन एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है जैसे कि बैंक या ट्रस्ट कंपनी तो कस्टडियन बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं तो जैसे सबसे पहला ड्यूटी होता है फंड को होल्ड करना तो ये होल्डिंग वर्ड आप बार बार देख सुनेंगे सो द फर्स्ट रोल इज होल्डिंग ठीक है दूसरा रूल क्या है सेफ गार्डिंग तीसरा रूल क्या है फंड के ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना और चौथा रूल ये है कि ये रेगुलर रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फंड के ट्रस्टी को और यूनिट होल्डर को ठीक है तो आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे मान लीजिए कि वो फंड के सिक्योरिटी को होल्ड स्टोर कर रहे हैं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फंड के एसेट को लॉस ऑफ डैमेज से बचा सकें इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि फ्रॉड और थेफ्ट से बचा सकें रेगुलर ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं कि ये किसी किसी फंड के एसेट का तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है वैराइटीज ऑफ इन्वेस्टर के लिए राइट right. रूल्स ऑफ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नाउ हु प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर अभी मैंने ए एम सी कस्टोडियन ट्रस्टी स्पॉन्सर तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ट्रस्टी तो सारा प्रॉपर्टी किसके पास होता है ट्रस्टी के पास होता है राइट तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों आपके लिए जे का पी प्लान है सेपरेट पी प्लान भी हमारे पास सब्जेक्ट वाइज यानी आई एनआईआई एस का आर का तो यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए इन सभी के बारे में तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सो इफ यू नो एनी इफ़ यू वॉन्ट एनी डिटेल रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल हाउ टू एक्सेस द कोर्स नाउ ए का क्या रोल है म्यूचुअल फंड में सेफ करना होल्ड करना ये नहीं ये तो हमने देखा है ये तो हमारा कस्टडियन का काम है राइट फिर नेक्स्ट एक ऑप्शन है कि टू मोनिटर द परफॉर्मेशन कॉम्प्लाइंस ऑफ म्यूचुअल फंड टू मैनेज द फंड बाई मेकिंग इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था ना कि जो डे टू डे फंशंग होता है वो कौन करता है ए एम सी करता है तो यहाँ जो लिख रहा है कि फंड को मैनेज करना इन्वेस्टमेंट करना बहुत तरह के सिक्योरिटीज़ में सो दिस इज डन बाई ए एम सी नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रस्टी का क्या रोल है ट्रस्टी hmm. का ऑप्शन ऑप्शन देखिए टू टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड टू मोनिटर डे डे टू डे ऑपरेशन गलत है टू मोनीटर द परफॉर्मेंस एंड कॉम्पलाइंस ऑफ म्यूचुअल फंड बताइए ट्रस्टी का क्या रोल है uh, तो ट्रस्टी का रोल है दोस्तों कि मोनिटर करता है परफॉर्मेंस को और कॉम्पलायस को म्यूचुअल फंड का इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर का होना म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्यों होना चाहिए वट इज द रूल वट इज द रिक्वायरमेंट तो कम सेम एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्टी कंपनी और बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी मस्ट भी इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंट ऑल द डायरेक्टर ऑफ ए एम सी 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 मस्ट भी इंडिपेंडेंट एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्टी कंपनी एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्ट मस्ट भी इंडिपेंडेंट दोस्तों में आपको इसका रूल बता देता हूँ देखिए कम से कम टू थर्ड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एटलीस्ट कम से कम दो तिहाई जो डायरेक्टर ट्रस्टी कंपनी का या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑल दिस क्वेश्चन आर टेकन फ्राम बुक वी हैव टू थाउंड प्लस सच एम सी क्यूज ओके अब दोस्तों यह था हमारा आज का सेशन होपफुली आपने इंजॉय किया होगा ये हमारा जेआवी एनसीआई सिंपल ऐप का इंटरफेस है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आपको इस प्रकार का स्क्रीन आएगा आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन पर जाइए और डेली फ्री क्विज दीजिए और नहीं तो स्टोर सेक्शन में जाकर आप किसी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और फोर्टी डिस्काउंट अभी आप अवेल कर सकते हैं जो कि रात तक वैलिड है किसी प्रकार की डाउट है जेआईवी से रिगार्डिंग फिल फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर डू सब्सक्राइबर चैनल थैंक्स एंड